For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इन दिनों सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सलमान खान ने मलाइका अरोड़ा को अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 से आउट करके उनकी जगह करीना कपूर खान को चुना है। हालांकि मलाइका का मुन्नी बदनाम हुई गाना काफी हिट रहा और आज भी काफी पॉपुलर है, मगर सलमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये कदम उठाकर मलाइका को क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि वो उनके और अर्जुन कपूर के रिश्ते से सहमत नहीं है। वेल, आखिर कई दिनों तक चुप रहने के बाद मलाइका ने भी इनडायरेक्टली ही सही, मगर सलमान के इस डिसीजन पर रिएक्ट करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आइटम नंबर किसी तरह का लेबल या टैग लगाते हैं। मैंने बहुत सारे आइटम नंबर्स किए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं मानती कि मुझे लेकर कोई धारणा बन गई है। मैंने हमेशा वही काम किया है जो करना चाहती थी। मैंने हमेशा गानों को तभी चुना जब पूरी कहानी समझी। पर्सनली अपनी बात करूँ तो जो भी आइटम नंबर मैंने किए हैं मुझे बहुत पसंद है। वेल, तो अब इस स्टेटमेंट से मलाइका ने ना ही सिर्फ आइटम गर्ल के टैग के बारे में अपनी राय दी है, बल्कि सलमान को भी किया है इनडायरेक्ट मैसेज। तो मलाइका के इस जुनून के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।